छिड़ जाता है तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के सब ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख बैठते हैं। पहला कदम यही बैठ कर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह मजा चखाना है। प्रधानमंत्री के फैसला लेते ही पाकिस्तान पर धावा बोल दिया जाएगा। दूसरा कदम हल्ला बोल का आदेश जारी होते ही तीनों सेनाएं हरकत में आ जाएंगी। पाकिस्तानी सीमा से लगे सभी राज्यों के गांव खाली कराने का आदेश दिया जाएगा। इन राज्यों में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर। इस मिसाइल की रेंज से पाकिस्तान का कोई भी कोना बच नहीं सकता। तीसरा कदम जिस दिन आदेश मिलेगा उसी के कुछ घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना के सुखोई MiG-21, विराज 2000 और जैगवान जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज तीन टन और बमों से लक्ष है और वो फौरन पाकिस्तान पर अग्नि वर्षा करने लगे। चौथा कदम अल्लाह बोल का आदेश मिलते ही भारतीय नौसेना भी हरकत में आ जाएगी। भारतीय पनडुबियां टॉरपीडो बम से लग जाएंगी। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज विराट कराची की ओर कूच करने निकल पड़ेगा। इस जहाज की खासियत है कि वो कहीं से भी पाकिस्तान की नेवी और इसके शहर कराची को अपना निशाना बना सकता है, वो भी समुद्र से। पांचवा कदम बियलदार के साथ ही भारतीय वायुसेना सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचेगी और पाकिस्तान पर 5000 बमों की बारिश होगी। 5000 बम गिरेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर। भारतीय वायुसेना ने इस पहले से ही पहचान कर ली है, देखिए कैसे कुचले जा सकते हैं इजराइल के सांपों के 5000 बम। इतनी देर में पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी होगी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका होगा क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करेगा। जैसे ही पाकिस्तान सेना कश्मीर को छूने की कोशिश करेगी भारतीय सेना उठाएगी छठवां कदम। छठवां कदम भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर में बियरलाट कर देगी। यहाँ से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जाती है। इसी बीच बल सेना पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उतार देगी। सातवां कदम भारत पंजाब से लगने वाली सीमा को खोल दिया जाएगा। ऐसा करने से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना भारत के सामने 2 दिन भी नहीं टिक सकेगी। पाकिस्तान राजस्थान में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ भी भारतीय फौजें पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तादाद में है। इस बीच भारतीय नौसेना कराची के बेहद करीब लामबंद हो चुकी होगी। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। कराची के टूटते ही पाकिस्तान टूट जाएगा और फिर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए उठा सकता है बेहद खतरनाक कदम। नौवा कदम अपनी हालत खराब होते देख पाकिस्तान खुलेआम भारत को परमाणु बम से हमला करने की धमकी दे सकता है। पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा क्योंकि भारत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। लेकिन पाकिस्तान की इस बेवकूफी पर भारत सीज फायर यानी युद्ध विराम की अपील कर सकता है क्योंकि इस समय जो भारत का मकसद पूरा हो चुका होगा, आतंकवादी कैंप खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद उठाया जाएगा 10वां और आखिरी कदम। दुनिया भर के देश इस समय तक भारत और पाकिस्तान को संभालने में एड़ी चोटी कर चुके होंगे। ऐसे में फिर से होगा युद्ध विराम, ठीक वैसा ही जैसा 1971 में भारत और पाक सेना के बीच हुआ था।